एससी वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल 23, अ लेडी यूजेस प्लस 1.5 डायोप्टर ग्लासेस टू हैव नॉर्मल विजन फ्रॉम 25 सेंटीमीटर ऑनवर्ड्स. शी यूजेस अ 20 डायोप्टर लेंस एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू सी एन ऑब्जेक्ट. फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इफ शी यूजेस द माइक्रोस्कोप, ए पार्ट में कहा है कि टुगेदर विथ हर ग्लास और बी पार्ट में विदाउट अ ग्लास. Do the answer suggest that the object can be more clearly seen through a microscope without using correcting glasses? तो 23 numerical में यहाँ पे एक lady जो object को देख रही है या पढ़ रही है, तो उसके लिए एक glass use कर रही है और उस glass का हमें power दी हुई है plus 1.5 diopter. तब वो किसी 25 सेंटीमीटर से दूर का पढ़ सकती है, अगर अदरवाइज वो 25 सेंटीमीटर से पहले नहीं पढ़ सकते. अगर उसे पढ़ना है तो यहाँ पे एक ग्लास यूज करनी पड़ेगी, मतलब ये मैग्नीफाइंग लेंस यूज करनी पड़ेगी, तब वो 25 सेंटीमीटर के आगे पढ़ सकती है. मतलब उसका नियर पॉइंट कहीं 25 सेंटीमीटर से आगे है, लेकिन इस ग्लास के कारण उसका नियर पॉइंट आ रहा है 25 सेंटीमीटर पर. मतलब ये हमने ये पहले लेंस नहीं कंसिडर करनी, ये ग्लास और ये आई और उसका ये रेटिना, तब उसके इमेज रेटना पे आ रही है यहां से 25 सेंटीमीटर पर, और उसका नियर पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा. वो कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, फिर इसकी पावर फाइंड करनी पड़ेगी, फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं. तो वो होती है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1.5, ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि ये 100 लिखा है यहाँ पे. तो ये कितना आएगा 0.3 और ये 20, मतलब दोनों जगह पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 यहाँ पे और ये 200, तो ये फोकल लेंथ आएगी 3 6 18 20, फिर 6 तो ये इतनी आती रहेगी, मतलब 200 अपॉन 3, इतनी फोकल लेंथ आ गई. अब इस फोकल लेंथ के कारण, इस लेंस ग्लास के कारण वो 25 सेंटीमीटर का पढ़ सकते हैं. तो अगर लेंस रखने से पहले अगर एक ग्लास और आई इनको एक ही मान लेते हैं, तब हम देखेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर का पढ़ रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा नजदीक 25 सेंटीमीटर का पढ़ रही है. मतलब इस दोनों के लिए उसका नियर पॉइंट जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा. हमें ग्लास रखनी है, मैग्नीफाइंग ग्लास रखनी है. अब जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो ऑब्जेक्ट और भी मैग्नीफाई होगा, तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो ये जो लेंस है वो मैग्नीफाइंग सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना आता है, तो दो इक्वेशन हमने पढ़ लिए, 1/d + f और ये फोकल लेंथ, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, तो इस तो 1 + d 25 और f इसकी फोकल लेंथ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट हो रहा है. तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो पावर 20 दिया है, मतलब ये 100 सेंटीमीटर अपॉन 20 ये आएगा 25, मतलब ये फोकल लेंथ आएगी 5 सेंटीमीटर. तो ये लिखेंगे हम m = 1 + 25/5, तो ये 5 5 हो, मतलब ये मैग्निफिकेशन आ गया 6. अब इसके लिए देखना है, अब ये ग्लास नहीं ले लिया, मतलब सपोज एक लेंस रखने से पहले इन नेकेड आइज से अगर ऑब्जेक्ट को रखना है तो उसकी इमेज कहाँ पे रखनी पड़ेगी, अगर 25 का वो नहीं देख सकता, 25 पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका नियर पॉइंट कहाँ पे होगा ये पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो ग्लास के कारण वो 25 पर ऑब्जेक्ट रख सकते थे, अगर ग्लास नहीं तो कहाँ पे जाएगा, मतलब उसका नियर पॉइंट कहाँ पे होगा, मतलब वो इमेज कहाँ पे पड़े, तो नियर पॉइंट पहले फाइंड करेंगे हम. तो लेंस इक्वेशन यूज करेंगे फॉर ग्लास, तो ये 1/f = 1/v - 1/u. तो ये फोकल लेंथ, अब ये ग्लास के कारण उसका फोकल लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो ग्लास के कारण उसका फोकल लेंथ कितना है वो हमने फाइंड किया 200/3 माइनस, इमेज कहाँ पे मिलेगी वही फाइंड करना है, माइनस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है 25 पर, ये भी माइनस, तो ये 3/200 = 1/v - - + होगा. तो ये 1/v = a इधर चला जाएगा, तो 3/200 - 1/25, इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 1/v इज इक्वल टू 3/200 माइनस ए आएगा 200 और ये माइनस 8/200, मतलब ये 1/v इज इक्वल टू इसमें से चला गया तो -5/200, तो ये आएगा 5/4 1/v इज इक्वल टू ये -1/v इज इक्वल टू आएगा -440 सेंटीमीटर। मतलब अगर ग्लास नहीं यूज करते आंखों के सामने तो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो डिस्टेंस जो रखना पड़ेगा वो होगा 40 सेंटीमीटर विदाउट ग्लास। अब हमें मैग्नीफाइंग लेंस रखनी है और उसके कारण इमेज को हमें मैग्नीफाई करना है, तब उसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो ये मैग्नीफिकेशन इस सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा, तो ये मैग्नीफिकेशन उस केस में आएगा ड्यू टू लेंस। ये कितना आएगा, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल होता है 1+d/f। तो अभी 1+ नियर पॉइंट जो होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर विदाउट ग्लास, नियर पॉइंट जो होगा वो 40 सेंटीमीटर पर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ, तो उसका फोकल लेंथ है 5, मतलब ये मैग्निफिकेशन आएगा ये 5 8 जा, मतलब 8+1 9, इतना मैग्निफिकेशन। मतलब इस सेम ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो ग्लास होते हैं तो इस लेंस का मैग्निफिकेशन 6 टाइम ही होगा, लेकिन अगर ग्लास नहीं होते तो उसे ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्लियर दिखने के लिए, तो उसे 9 टाइम्स उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना पड़ेगा सेम इफेक्ट देने के लिए। मतलब यहाँ पे ग्लास होने के कारण वो कम मैग्नीफाई कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट का सेम डिस्टेंस पर, लेकिन ग्लास नहीं होगी तो उसे मैग्निफिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा सेम ऑब्जेक्ट के लिए सेम डिस्टेंस के लिए सेम क्लियरिटी आने के लिए।